सोवियत रूस, जो प्लूटो ग्रह से भी आकार में बड़ा था, जिसकी सीमाएं एक महादेश से दूसरे महादेश तक फैली थी, और ऊपर से अमेरिकन यू-2 जैसे स्पाई प्लेन जो रूस के हवाई क्षेत्रों में घुसकर ऊपर से निगरानी रखा करते थे। ऐसे में रूस को जरूरत पड़ता है एक ऐसा कैरियर जो साइबेरियन बर्फीली तूफान में उड़ता हुआ मिसाइल और फाइटर जेट्स को कैरी कर सके, क्योंकि इतने हार्श बर्फीले क्लाइमेट में अलग अलग जगह एयरक्राफ्ट स्टेशन और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को डिप्लॉय करना बेहद ही खर्चीला था। ऐसे में सोवियत इंजीनियर्स एक सॉल्यूशन पर आ पहुंचते हैं, जो था हेली कैरियर याकोलेव VPP-6। इस कैरियर की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर था, जो अपने साथ 8 की संख्या में सरफेस टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम था, और जरूरत पड़ने पर इस हेली कैरियर में 2 वर्टिकल टेकअप फाइटर प्लेन आराम से रह सकते थे, क्योंकि याकोलेव हेली कैरियर 45 से 60 टन वजन तक कैरी करने में कैपेबल था, जिसमें 6 ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटर होने के साथ साथ 26 की संख्या में टर्बोजेट्स इंजन लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों, इतने जबरदस्त डिजाइन होने के बावजूद यह हेली कैरियर कभी भी पेपर से असलियत में आ नहीं सका।